जी नहीं, एक एक छोटा एक सवाल कि किसी आलिम ने बताया था कि अगर आप दरवाजे के पास नमाज पढ़ रहे हैं करीब में कुछ कदम दूर और कोई दस्तक दे रहा है तो आप दो चार कदम चल के दरवाजा खोल सकते हैं, तो क्या ये सही है? कितनी दूरी पर हो तो दरवाजा खुल सकता है? जी शेख, अगर कोई दस्तक दे रहा है आप उसको दस्तक देने दीजिए। हाँ, अगर आपको ये पता है कि जो दस्तक दे रहा है वो इतना इमरजेंसी है कि अगर मैंने दरवाजा नहीं खोला तो कोई परेशानी आएगी, तब तो हम कहेंगे कि हाँ आप हाथ बढ़ा करके दरवाजा खोल दीजिए, बल्कि चल करके खोलना पड़े तब भी खोल दीजिए। लेकिन अगर नॉर्मल हालात हैं तो दरवाजा खटखटाने दीजिए, आपको खोलने की जरूरत नहीं है। आप पहले नमाज कंप्लीट कीजिए। और आप ये उसूल याद रखिए ना कि हमारी शरीयत में जहां पर आपको परेशानी होती है वहां आसानियां दी गई है, नमाज के साथ खेल करने के लिए नहीं कहा गया है। भाई जहां जहां परेशानी हो रही है मैं आपको बता रहा हूं, हाँ आप ये कर लीजिए, आप ऐसा कर लीजिए, आपको जहां कोई दिक्कत नहीं है वहां नमाज में हरकत नहीं करना है आपको। जी, आपको हरकत उसी वक्त करना है जब कोई परेशानी हो आपको, तब हरकत करना है। इसलिए अगर किसी ने ऐसा आपसे कहा है कि आपको कोई सख्त जरूरत नहीं है फिर भी जाकर के दरवाजा खोल दीजिए, उसने गलत कहा है। नहीं, अगर कोई सख्त जरूरत है आपको तब आप हरकत कर सकते हैं, वरना हरकत नहीं कर सकते। और आपके कल के सवाल में मैंने आपको बताया था कि फर्ज नमाज और नफिल नमाज में एक बुनियादी फर्क यह है कि फर्ज नमाज जब आपने शुरू कर दिया तो आप उसको दरमियान में नहीं तोड़ सकते, कोई उज्र आ जाए तभी तोड़ सकते हैं। जैसे आपने कहा दरवाजे पर दस्तक हो रही है, मान लीजिए बाहर से कोई दरवाजा जोर जोर से दस्तक दे रहा है और चिल्ला रहा है, आपको लग रहा है कोई खतरे वाली बात है, आप नमाज तोड़ दीजिए, जाके दरवाजा खोलिए। लेकिन ऐसे ही नॉर्मल कोई बेल बजाया, आप नमाज पढ़ रहे हैं, अब ये नहीं कि कोई बेल बजाया पता नहीं कौन होगा चलो दरवाजा खोलते, नहीं, जायज नहीं आपके लिए। जब आपको कोई उज्र हो, कोई खतरा हो, कोई बड़ी मशक्कत लाहिक होने वाली हो तो आप फर्ज नमाज को दरमियान में तोड़ सकते हैं, ठीक है। और जो सुन्नत नमाज है, सुन्नत नमाज में आदमी को इख्तियार होता है, वो जब चाहे उसको बीच में तोड़ सकता है, लेकिन उसमें भी अफजल ये है कि जब आपने शुरू कर दिया है तो आप कंप्लीट कीजिए, लेकिन अगर आप बीच में तोड़ना चाहें तो तोड़ सकते हैं। तो अगर आप सुन्नत नमाज पढ़ रहे हैं, बेल हुआ दरवाजे पर, अगर आप तोड़ना चाहें नमाज तोड़ सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि नमाज कंप्लीट कीजिए। वाजे हुई मेरी बात? जी जी वाजे। तो खुलासा यह है कि नमाज के साथ आपको शरीयत हर कदम पर रुखसत दे रही है, हर परेशानी में सहूलत पैदा कर रही है, तो बराए करम आप या कोई भी नमाज के साथ खिलवाड़ ना करें। जहां परेशानी होगी वहां रुखसत मिलेगी आपको, लेकिन नमाज को खेल ना बना ले। नमाज पढ़ रहे हैं, जो है बेल हो रहा है, दरवाजा भी खोल रहे हैं, जो है किचन में जाकर के चीजें भी देख रहे हैं, बच्चे को भी संभाल रहे हैं, ये कौन सी नमाज है? जी जी